हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है मेरे साथ एक भाई है। ये भाई मेरा सब्सक्राइबर है, इंडिया से याद आई है। और इसको मैंने केल में काम पे लगवा दिया। ये होटल में काम कर रहा है, ये होटल है मलेशिया के अंदर, इसमें काम कर रहा है। तो अभी मैं भाई से मिलने आता, इससे बात करते हैं कि भाई सेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ भाई, अपना नाम बता दो पहले। तो भाई, मेरा नाम शिव कुमार है, इंडिया से बाबा से कि भाई से यूट्यूब में तो मुलाकात हुआ था, बातचीत हुआ था, फिर भरोसे पे ऐसा ही बातचीत में आना चाहा तो जाओ भाई बोल के बोले। सिर्फ यूट्यूब के चैनल से परिचय हुआ, उसके बाद आगे भाई जैसा बोले वैसा आगे। तो भाई ने जॉब लगाया इसमें होटल में। अब होटल में आपका कितना सैलरी है इसमें? तो 2200 है, 2200 रिपीट है। और ओटी लग गया तो 2800 चल रहा है। हाँ बोलना, ये 10 आवर्स ड्यूटी है, 10 घंटे ड्यूटी है। और खाना पीना होटल का ही, रूम अपना है, खाना पीना पूरा होटल का, 3 टाइम खाना होता है होटल का। खाने में क्या क्या मिलता है? चिकन, राइस, फिश, नाश्ते में ब्रेड, मैगी। और जो आप काम करते हो उधर, आपका काम क्या होता है? हाउस कीपिंग में। मैंने तो आपको जो एजेंट था ना उसको उससे मिलवाया था, उस एजेंट ने आपको इधर लगवा दिया, लेकिन उससे मेरा लिंक था मैंने, इसलिए मैं आपको बोला था मैं सही काम आपको लगवाएगा। सही बात। वो आपके भरोसे पे तो हमें आते हैं ना, हमारे को तो कोई पहचानते नहीं यहाँ पर मलेशिया। वो आपके भरोसे पे आया अभी कि भाई आप अच्छा कर रहे बोल के, तो सिटी लेना। तो कैसा लगा मलेशिया? दो महीना तो 2 महीने पहले ये मेरे थ्रू आया था, मैंने बुला था। ये मेरा सब्सक्राइबर है, इसको ये मेरे साथ बात करता था कभी कभी व्हाट्सएप पे। तो मैंने फिर इसको एजेंट का नंबर दे दिया, उसके थ्रू ये इधर आ गया। अभी ये इधर होटल में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा होटल है मलेशिया का, बहुत फेमस है, टाइम्स स्क्वायर के अंदर है ये। और रूम राम किधर है आपका? अभी मेरा TT1 से हमें यहाँ से अभी 3-4 स्टेशन के बाद है। यहाँ पे बढ़िया है, हर रोज अप डाउन कर दे। अप डाउन 10 मिनट का रास्ता है, नहीं यहाँ से 10 मिनट का रास्ता। मोनो रेल है ना, रेल है यहाँ पर। हाँ, उधर देखिए रेल है, मोनो रेल में जाएगा, 10 मिनट का रास्ता है। बस विक्की भाई का ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं यार यूट्यूब में, बहुत बादाम होते हैं, बहुत फेक लोग होते हैं। मैंने आपको जो बोला था ऐसा ही हुआ? बिल्कुल जो बोले आप वैसा ही हुआ। आप इंडिया से कौन सी जगह से? हैदराबाद से। इंडिया हैदराबाद से। आप हिंदी थोड़ी अच्छी बोल लेते हो। यार हैदराबाद ही है। और इंडिया में आप क्या काम करते थे? मेरा बिजनेस है। उधर में कितने कमा लेते थे? कमा रहा था, बिजनेस में नहीं। सच्ची बात बताना, फिर भी मैं आपको फिर बताएगा आपके लिए मलेशिया बेहतर है? नहीं, वहाँ पे तो बिजनेस था, लॉस हो गया। उसके बाद आप 15-18 हज़ार बिजनेस में लॉस हो गया। बिजनेस में किस चीज़ का बिजनेस था? मेरा कपड़े का दुकान। कोरोना की वजह से बहुत लॉस हो गया। तो इधर आप 2200 में आप कितना बचा लेते हो खर्चा पानी निकाल के? 2200 तो बच जाएगा, 2000 बच जाएगा, क्योंकि और वो टाइम मिला के वो टाइम भी है ना, सॉरी गेट अपने अलग से, मतलब फोन चार्ज बच जाता है, 2000 तो बच जाएगा, 2000 बच जाता है। और वो टाइम तो करेगा ना, वो टाइम करेगा और 600-500 ज़्यादा आएगा। वो टाइम 2 महीना होगा ये, 26 डे वर्किंग है, 26 4 दिन छुट्टी है, हफ्ते में छुट्टी भी है। सही हो गया चाचा, बस बढ़िया भाई। आपका मेहरबानी से भी मलेशिया पहुँच गए। चाचा आपकी एज कितनी होगी? मेरा 47। और बालक बच्चे कितने आपके पास? मेरा एक लड़का। तो फैमिली से बात होती है? डेली बात होती है। सही है। काम कैसा, पसंद आया? बस बढ़िया है भाई, हाथ लगा है, बस अच्छा है। यहाँ पे तो दूसरे काम भी है पर उनका पसंद है, ये बढ़िया है। चाचा फिर नए बंदे के लिए मतलब कुछ कहना चाहेंगे जो नए बंदे आना चाहते हैं मलेशिया में? बिल्कुल आ जाइए। बस जेनुइन बंदे उनको ढूंढिए, जैसे कि विक्की भाई है, विक्की भाई तो जेनुइन है, जो बात बोलते हैं वो बात होती है, दूसरे के बारे से बात करते हैं। मुझे तो पहचानते नहीं, मैं तो यूट्यूब में देख के इनसे बातचीत हुआ, बस यूट्यूब पर तो बहुत फेक है, बहुत एजेंट आप पैसे डालते थे उसके बाद फोन भी नहीं उठाते, फोन लॉगिन हुआ ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ दूसरी कंट्री में ऐसा आपने बताया भी था मैं भूल गया बात मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं आपको बताया भी था विक्की भाई तो ठीक है यार, भरोसा इंसान नहीं है, इंसानियत बोलते ना इसी, बस आना चाहिए तो विक्की भाई के थ्रू आइए, ये तो मेरा सलाह है। नहीं मैं
मैं देखो चाचा एजेंट के लिए नहीं करता मैं कोई भी, ये मेरा काम नहीं, एजेंट का काम नहीं, बस एक आपने मेरे को बोला था थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरी, मैं आना चाहता हूँ, तो मैंने नहीं तो मेरा व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखोगे कितने पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, आप एजेंट नहीं है, आप भी काम करते हैं। हाँ, काम कर पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो एजेंट का गिरी कर सकता हूँ, मतलब बंदों को बुला सकता हूँ, लेकिन मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इधर काम करता हूँ। सही बात आप काम करते हैं। आपको भी पता अभी मैं ड्यूटी से आया था, सिर्फ सीधा आ गया। सही बात है यहाँ पर ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइम ही नहीं मिलता एजेंट के लिए। मैं जो भाई है ना जिसको कोई काम मतलब काम चाहिए, किसी का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ जॉब वाले का, जिसके पास जॉब वैकेंसी है, या कोई हेल्प चाहिए कोई पेपर वगैरह बनवाना उसमें हेल्प कर देता हूँ। बाकी कुछ मशवरा चाहिए वो बता देता हूँ आपको, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। मेरे से भी मेरे मुझे भी कोई पहचानते नहीं ना मलेशिया में, आप ही मुझे गाइड किए मुझे। आप अभी आपको 2 महीना होने वाला है, इधर की लैंग्वेज कुछ मलाई थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। सूढ़ा वो तो खाना खा ली, बोलना आ रहा है अभी आदत हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, वो लैंग्वेज सीख लो। तो चाचा फिर काम का जो आप काम क्या काम करना होता है और कितने बजे आते हो? हम 9 बजे ब्रीफिंग होगा। हाँ, उसके बाद 9:30 को काम स्टार्ट होगा, 9:30-9:45 को, 11 बजे फिर लंच होगा, 5 बजे काम खत्म करो, 5:30-6 बजे काम खत्म, जब टास्क कंप्लीट होगा तब काम कंप्लीट करो, असाइनमेंट जमा करो, खाना खाओ, कर ले। और सैलरी सुलरी कितने टाइम पे मिलती है, मतलब कितने तारीख को मिलती है? 8 तारीख को मिल जाएगी सर। 8 तारीख को मिलती है, और जैसे 7-8 तारीख को मिल जाएगी। एडवांस पैसा मिलता है जो कुछ? हाँ मिल जाता है, कुछ पूछा तो एडवांस पैसा, कभी भी जरूरत हो तो पूछा तो जरूरत पैसा। यूनिफॉर्म कैसी लगती है? यूनिफॉर्म ब्लैक पैंट है सेट, ये पहने हुए अभी आप ड्यूटी से आए हो? अभी मैं ड्यूटी से, तो उधर चेंज करके आए? चेंज करके आए। और इधर में और आपके साथ जो बंदे काम करते हैं और किधर किधर के? पाकिस्तान के, इंडिया के हैं, इंडिया पाकिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहेगा, आप इंडिया में जब आप ये सोचते थे होंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है? नहीं, मेरी बात सुनो, सोचते थे ना जैसे नॉर्मली हमारा जो पॉलिटिक्स है ना है, उसके बाद फिर आप इधर आए, इधर पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती, खाना पीना एक साथ रूम में रहना, सही है ना? यहाँ पे पूरा नो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी नहीं, पूरे मिलजुल के रहते यार, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, यहाँ पे कंट्री का मजा नहीं, दूसरे कंट्री से मजा नहीं, भाई भाई भाईचारा बोल रहे, पूरे पाकिस्तान के दोस्त हैं मेरे, पाकिस्तान के दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान के दोस्त हैं। हाँ देख लेना बाहर में कैसे प्यार से रहते हैं, पूरा प्यार से रहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब नफरत फैलाते हैं, नहीं इधर तो कुछ भी नहीं, इंडिया पाकिस्तान का खून तो एक ही है, एक ही है, लेकिन वो सिर्फ जो हमारी जो पॉलिटिक्स है ना उसने अलग किया हुआ है, ऐसे ही होता है ना। प्रदेश के अंदर अभी जैसे तेरे को कोई हेल्प चाहिए, तेरे को पाकिस्तानी मिल गया, तेरे पास काम नहीं है, वो तेरी हेल्प कर देगा, बिल्कुल, अगर उसके पास काम होगा तो, अगर नहीं भी होगा वो आपको रूम पे लेके जाएगा, खाना खिलाएगा, बिल्कुल सही बात है, सही है ना? ऐसे 100% सही बात है, यहाँ पे कंट्री नहीं देखते, भाईचारा देख रहे हो भाई, यहाँ पे ऐसा ही होता है चाचा, यहाँ पे कंट्री कोई कंट्री, तुम कौन से कंट्री से आए वो कुछ भी नहीं, भाई भाईचारा, अब तकलीफ में हो तुम कौन सी कंट्री से, कोई पूछेगा भाई तेरे पास काम है तो काम है लगा देगा, और इंडिया से नहीं पाकिस्तान से। और मलेशिया में दो महीने होने वाले, घूमे फिरे हो? यार कहीं नहीं गया। छुट्टी वाले दिन क्या करते हो? छुट्टी वाले पार्ट टाइम लगा ले, छुट्टी वाले दिन पार्ट टाइम पे जाते हो, क्या काम करते हो पार्ट टाइम में? पार्ट टाइम पे यहाँ पे आ जाऊँगा, होटल पे आ जाऊँगा। इसी होटल में कि दूसरी में? इसी में आ जाऊँगा, इसी में मिल रहा है, इसी में पार्ट टाइम दे देते हो दे। उसको मतलब यहाँ पर ओटी बोलते हो, ओवर टाइम तो उसका अलग से मिलता है पैसा? अलग से मिलता है। ओटी वाले दिन खाना भी मिलता है फिर? पूरा खाना तो मिलता है सबको, सही हो गया भाई, 3 टाइम खाना है। और आपने परमिट वगैरह कोई अप्लाई किया कि नहीं किया? अभी करना चाह रहा, करेगा, उसमें आपकी सेफ्टी है ना, बंदा इधर काम करेगा जहाँ मर्जी जाएगा, परमिट से बहुत ठीक रहेगा, अभी आपके थ्रू ही करना चाह रहा हूँ वो भी। चाचा मैं आपको एजेंसी बता देगा, आप वहीं वहाँ नहीं, आप मेरे साथ चलना और साथ में जाना, नहीं ये नहीं कहता कि मैं लगवाएगा तेरा वीजा, मैं आपने पैसे अपने हाथ से जाके दे रहे हैं, उधर पासपोर्ट वगैरह जो भी है तेरा, जब पासपोर्ट रेडी हो जाएगा उठा के उधर से अपने लेके आना,
आपका जब वीजा आएगा हर साल अपने रिन्यू करवाना उधर ही जाके, ठीक है ना। मेरा काम है आपको एजेंसी बता देना, ठीक है ना। अगर कहेगा तो मैं आपको लेके भी जाएगा एक दिन, कोई बस, 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 आप, ना? आप सही है भाई, आपके भरोसे पर यहाँ पे है। आप यहाँ पे तो बहुत एजेंट है, मैं ये दिलाऊंगा, आपने तो देख लिया वो ये जसला, बहुत एजेंट बहुत बच्चों का पैसे लेके भागे। और मेरी एक बात याद रखना, ठीक है ना, अपना पासपोर्ट संभाल के रखना, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा इधर आपको। सही बात है, पासपोर्ट अगर गुम हो गया ना तो इंडिया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चला जाता है लेकिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बनवाने जाएगा उसका 1500 रिंगिट खर्च होएगा, और उसके लिए भी आपको फोटोकॉपी चाहिए उसकी, एडवांस में फोटोकॉपी अपने बैग में एक्स्ट्रा एक दो रखेगा, ठीक है ना, रूम के, क्योंकि बाई चांस किस्मत का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, तो संभाल के रखेगा अपना पासपोर्ट, ठीक है ना, किसी को देगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बंदे इधर में अपना पासपोर्ट घुमा देते हैं और एजेंट को दे के लगा, हाँ, एजेंट को दे देते हैं, बहुत ये बोलते हैं, बहुत बोलते फंस गए आप, 6000 आपके दोस्त बताया है, 6000 लेके भागे एजेंट, 6000 रिंगिट अपने इंडिया कितना होगा पता है, मेरे यहाँ पे होटल में दोस्तों के बहुत पैसे खा लिए, आपको बताते होंगे, बताते नए आए हैं ना वो सब बताते हो, आपको बोलते भी होंगे की एजेंटों से थोड़ा बच के रहेगा, मेरा तो कोई इधर फंसा लेते बंदे को, एक बार बंदे का पासपोर्ट उसके हाथ में चला गया ना, वो पैसे भी लेगा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करा उसका, पैसे भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा, हाँ पासपोर्ट भी नहीं दे रहा, पैसे पूरा दे दिया और पासपोर्ट भी नहीं दे रहा। और खाना थोड़ा खा के आए हो, खाना खा गया, बहुत बढ़िया हो गया चाचा, फिर सही है चाचा, ठीक है ना, बस आपकी मेहरबानी भाई, बस भाई थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, विक्की भाई को कोई भी आना चाहे तो विक्की भाई के थ्रू सजेशन लीजिए कैसा आना, मैं चाचा मैं एजेंट नहीं है, मैं बुलाता नहीं किसी को, एजेंट नहीं है मैं, खाली हेल्प करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आप दे देगा, ठीक है ना, वही बंदा लेके आएगा, वही आपको बाद में काम पे भी लगवा देगा, ठीक है ना, सही सही बात, जैसे मैंने चाचा को बोला था ऐसे ही हुआ, सही ऐसा ही आया, ये जिस दिन आया था मैं चाचा से मिला भी नहीं था, आज ही मिले मेरे से, मैं आज ही मिला हूँ 2 महीने के बाद, लेकिन ये आया मेरे थ्रू, मेरा सब्सक्राइबर ही है, सही बात, तो मैं भी यूट्यूब में परिचय हुआ यार विक्की भाई, मैं भी यूट्यूब देख के तो भाई। तो होटल में आपको होटल दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये कितना बड़ा होटल है जिसमें चाचा जी काम करते हैं। तो गाइस ये होटल है, काफ़ी शानदार है ये, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर ये 8 मंजिल है ना नहीं ये जो स्विमिंग पूल कितनी मंजिल, 15 फ्लोर, ये 15 फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, गार्डन है, मतलब पार्किंग है बैठने का, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये कितनी फ्लोर है, 48 फ्लोर है, इसके अंदर काम है। होटल होटल का क्या नाम है, बरजाया होटल, ओ बढ़िया हो गया, अच्छा काफ़ी शानदार व्यू है इधर से ही, तो चाचा फिर चलते हैं, सही हो गया है, कुछ खाना पीना, ना ना अभी खा के आया, चल। तो गाइस ये भाई था अपने हैदराबाद इंडिया से है, तो ये मैंने इसको बुलाया था, मैंने एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो ये आ गया था, इसने मतलब कुछ पेमेंट पहले कर दी थी, कुछ पेमेंट इधर आने की बात कर दी थी, तो अभी ये काम पे भी लगा हुआ है, इधर होटल के अंदर काम पे लगा हुआ है, सैलरी भी अच्छी खासी है, सही है, मतलब डेढ़ 2 महीना होगा इसको, सही सेट है ये, बाद में अपना परमिट लगवा लेगा, जब मर्जी जा सकेगा घर, तो मेरे से जितनी हेल्प हुई थी मैंने इसकी हेल्प की थी, बाकी आप मुझसे हेल्प मांगते हैं, मुझे बुला ले। देखो गाइस मैं एजेंट तो हो नहीं, मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं भी इधर काम करता हूँ, बाकी मैं आपको छोटी मोटी हेल्प होगी वो हेल्प कर देगा, जैसे काम पे लगवा सकता हूँ, अगर आप खुद भी आते हैं ना काम पे लगवा देगा, काम की कोई टेंशन नहीं इधर, तो अभी मैं भी जाएगा, तकरीबन 8 बज गए मलेशिया के, इधर 8 बजने वाले हैं, तो मैं जाएगा, तो इस वीडियो में यही जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।